गाइस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नई चीज की तरफ बढ़ते हुए, अलग नई चीज एकदम अलग भाषा में भाषा में स्टार्ट कर रहे हैं। अलग भाषा में कह दो तेलुगु। हमको नहीं आती। तो भाई, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर, जहां मिलती है बकचोदियां और एंटरटेनमेंट ऐड एंटरटेनमेंट बोले क्या बोले और नहीं मिलता है ऐड, नहीं मिलता है ऐड, सिर्फ मिलती है बकचोदियां। सिर्फ बकचोदियां मिलती है और हम लोगों को गालियां। तो खैर, गाली तो हम लोग देखते अच्छी हैं, चीज होती है, जन्म सिद्ध अधिकार है, अच्छी चीज चलो होती है, वाली अच्छी चीज होती है। भाई भी लो। फिर आज का क्या अपना वो है टारगेट? टारगेट है इस बार हमारा रवि तेजा। रवि तेजा भाई जी, थोड़ा रवि तेजा बचपन से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, माइक के आज पास आके बोलिए ना। बचपन से हम लोग रवि तेजा को देखते आ रहे हैं, और आज ऐसा मौका मिला है कि उसको थोड़ा सा देते हैं दो तीन खींच के। बहुत इधर उधर कर लिया, तो ईगल करके उसने टीजर डाला है, मतलब हाँ, जो इधर भी, मूवी है। हाँ जो उसकी मूवी आने वाली है, नहीं तो उसका टीजर पड़ा है, देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू है अभी, तो कितना समझ में आता है ये कितना तेलुगु नहीं। में ना, तेलुगु में है, जो तेलुगु में है हम लोग को तो समझ में नहीं सबटाइटल आएगा, सबटाइटल काम चला ले। सबटाइटल के तमिल बेस। बोले ज्यादा ठीक लगेगा यार, तेलुगु। तेलुगु में वेलकम का मतलब पता है क्या होता है? रंडी। रंडी मतलब रंडी वेलकम। मंडी, रंडी रंडी मंडी, रंडी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तेलुगु तेलुगु मूवी। मालूम है ना, तेलुगु वाले भी टीजर देते हैं। हाँ मुझे मालूम है ना, ये लोग भी टीजर डालते हैं, इनके तो वैसे हिट हो जाते हैं। नहीं तो చూడబోయేది విశ్వరూపం अगर इन लोग के चार हाथ हो ना, भगवान से कम लगते नहीं मुझको ये लोग। नहीं ये देख रहो, देख रहो, रिमोट कंट्रोल वाला था भाई। बचपन में ताली वाली गाड़ी आती थी ना, बंदूक देख कैसे पकड़े हैं। हाँ, पिताजी सकल एक्शन ही एक्शन। रवि तेजा बॉर्न वॉयज 13 जनवरी 2024। कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए ना ब्लू ग्रो भाई। टेलर तो देख लिया, टीजर टीजर तो देख लिया, इस बार से क्या समझ में आया? टीजर समझ में आया, ईगल ईगल भाई। मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि ये भी सलमान खान जैसा ही कर रहा है। अब स्टोरी लाइन एक्शन में उनके एक्शन में फर्क है भाई, ये लोग ज्यादा डिटेलिंग में अच्छा दिखाते हैं। डिटेलिंग भी अच्छी रहती है और प्लस एक्शन ऐसा रहता है ना भाई, मैं कह रहा हूँ चार हाथ होंगे तो भगवान है। बाकी स्टोरी लाइन भी इन लोग की थोड़ी अलग ही रहती है, कुछ ना कुछ नई लेके आते हैं। रवि तेजा का मैंने हमेशा देखा है, उसका तीन चार तरीके का स्टोरी लाइन रहता है। लौंडियाबाजी के चक्कर में वो जाके लड़ लेगा, पेल लेगा, वही सब लड़कियां भी अच्छी लगती है। सुबह सुपर हीरो बनकर दिखाते हैं, इतने हीरो तो मतलब वो सब चलो अलग बात है। अभी इस टेलर से क्या समझ में आ रहा है उसके देखो, इस टीजर से मुझे ये समझ में आ रहा है कि म्यूजिक म्यूजिक अच्छा मिलेगा, जैसे कि इसमें भी था म्यूजिक स्टार्टिंग से इन लोगों ने दिया एंगेज करने के लिए कि आदमी रूप में रहे। बीजीएम बढ़िया मिलेगा, बाकी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि टाइगर जैसे मूवी बना रहा है वैसी मूवी होगी। ये भी एक्शन फालतू के इधर उधर के, वही है कि एंजॉय करेंगे एक्शन देखने। स्टोरी होगी इसमें, कुछ अलग स्टोरी होगी। वो देखा ना, उसको पहले जवान दिखाया, फिर बुड्ढा दिखाया, फिर उसको मार्केट में उसको दिखाया, ढूंढना जा रहा है तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है उसके बारे में। मतलब है कुछ स्टोरी होगी इसमें, एकदम से वही होगा। शैडो वैडो बोल रहे थे कहीं, ये तो नहीं कि ये अंडरकवर एजेंट अंडर कवर भी हो सकता है, फिर तो आप घूम फिर के तो उधर ही आ गया टाइगर के साथ ही अंडरकवर एजेंट। तो हो सकता है भाई, या दस चली गई उसको, यही तो मेरा बाप है तो मैं मानने जा रहा हूँ। तो भाई इन लोगों में मतलब काफी मूवी देखी है बहुत सारी, सुपरस्टार तो है ही ना, खुद ही क्लेम कर लेते हैं। हाँ, इतना नाम में लिख देते हैं कि आदमी खुद ही बोल देता है भाई ठीक है भगवान तुम। तो भैया टीजर देख के तो क्या तुम इसके लिए बोलना चाहोगे? हिट फ्लॉप?
भाई हिट होगी हिट तेलुगु हिट तो उनकी लाइती है अपने इधर ना चले ना हम लोग क्या ज्यादातर फोन में देखते हैं लोग इनकी या डाउनलोड करके कहीं ना कहीं से जब तक या तो घर पे है तो टीवी पे देख थिएटर में इधर सेट थोड़ा रहता है क्रेज कम है बाकी उधर सेट तो रहता ही है बट मैं थिएटर में तो नहीं देखता हूँ बट ऐसे में आगे कोई मूवी आई तो मैं लगा लेता हूँ एकदम ऐसा लगा ना कि जीवन किसी ने सच बता दिया थिएटर में कोई आज तक तेलुगु मूवी देखने में गया भी नहीं भाई तो हमें दिखी कहाँ है वो लगी हुई बाहुबली नहीं गया मैं थिएटर में देखने मैं भी नहीं गया मैंने तो यूट्यूब पे निपटाई है वैसा ही कुछ मैंने भी किया बात तो ये ना कि लैंग्वेज हिंदी में जल्दी डबोगे लगती नहीं है लेकिन बाहुबली हिंदी साथ ही आती है ना एक साथ ही लैंग्वेज बाहुबली तो पैन इंडिया हर लैंग्वेज में आई थी ना चलो फिर इसके बारे में ज्यादा बातचीत है नहीं अपने पास सारी कॉमन भी बहुत ज्यादा बातचीत वीडियो डाल ली थी तो बना दिया ओके बाय बाय ओके कट